नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम हर फेस्टिवल में कुछ करता है खास, तो होली का त्यौहार भी आ रहा है, रंगों का त्यौहार आ रहा है। तो हम लखनऊ की खास शख्सियतों से आपको मिलवा रहे हैं, उनसे रूबरू करवा रहे हैं कि इस त्यौहार पे वो सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ व्यापारी नेता है सौरभ गोयल जी, जो कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल पे राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उनसे पूछेंगे कि इस होली पे वो सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस होली फेस्टिवल पे सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सौरभ गोयल, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में राज्य सचिव। मैं सभी पदाधिकारियों को, सम्मानित व्यक्तियों को, भाइयों को, बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बस यही कहूंगा कि अच्छे से त्यौहार मनाइए, सेफ रहिए, बी सेफ एंड बी होली, हैप्पी होली। और बाकी एक व्यापारी नेता होने के मैं कहूँगा कि अपने व्यापारी भाइयों को कि सभी की मदद भी करें इस त्यौहार पे, जहाँ जहाँ जो व्यक्ति त्यौहार नहीं बना पा रहा है, जो गरीब आदमी है, जो अपने कुछ व्यापारी हैं, गरीब व्यापारी हैं, जो जिनको दिक्कतें हैं, तो उनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद कर सकें उनके घर पे मदद पहुँचाएँ। जिस तरीके से आपने बोला मदद के लिए कि अगर कोई भी देश में आपदा आती है तो व्यापारी लोग बहुत सी मदद करते हैं, लेकिन 5 साल में जो हुआ, व्यापारियों का व्यापार टूटा, व्यापारियों पे GST लागू करी गई, मंडी शुल्क भी लागू करा गया, फिर से सरकार वही आई है, व्यापारी भी वही, समस्या भी वही है। तो आपके जो आप व्यापारी हैं, तो आपके व्यापार में क्या क्या समस्या आती जिससे आपको बहुत ही नुकसान होता है? सबसे बड़ी समस्या तो है महंगाई। महंगाई की वजह से जो डीजल के रेट बढ़ना, पेट्रोल के रेट बढ़ना, जितने भी केमिकल्स हैं जो हम लोगों में, जैसे हमारा PVC पाइप का काम है, तो जितने भी केमिकल्स हैं, हर चीज़ से हर चीज़ महंगी हो गई है। और डीजल लाने से आपका भाड़े बढ़ जाते हैं, जो चीज़ 2 रुपये में आती है आजकल 3 रुपये में आ रही है। जो बाहर से गुजरात से भाड़े आते थे 6 रुपये किलो आते थे, आज 8-10 रुपये किलो हो गए। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। सबसे पहले तो सरकार को महंगाई में नियंत्रण करना चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम सबसे पहले कम करने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये महंगाई रुक नहीं पाएगी। आम जनता की बहुत धारणा है ये चीज़ कि BJP की सरकार आई है तो व्यापारियों को बहुत से फायदे होते हैं, तो क्या सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फायदा किसी से नहीं होता, कोई भी सरकार आ जाए, कोई खास फायदा किसी भी सरकार में नहीं होता है। नहीं। तो ये बताइए, अच्छा जैसे हम बहुत से व्यापारियों से एक सवाल कर रहे हैं कि त्योहार आते ही पहले जो मार्केट में रौनक थी और व्यापारियों को भी लाभ होता था और कस्टमरों को भी लाभ होता था, तो जब से ये आपका GST लागू हुई है, मंडी शुल्क लागू हुआ, तो बाजारों की रौनक और आपके व्यापार पे कितना असर पड़ा? वही मैंने कहा, महंगाई की वजह से जब इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज एक आम आदमियों की जेब से ऊपर चली गई है। त्यौहार पहले जो बनते थे, एक एक हफ्ते पहले से त्यौहार बनते थे, एक एक हफ्ते बाद त्यौहार बनते थे, लेकिन अब आदमी त्यौहार बनाने को भी सोचता है, एक ही दिन का 2 दिन का त्यौहार बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको रोज कमाना है, रोज खाना है। अब वो पहले जैसा तो है नहीं कि उसने अपना कमाया खाया और एक हफ्ते त्यौहार बनाया, ऐसा कुछ रह ही नहीं गया। उसको रोज रोज बनाना, रोज खाना है। इतनी महंगाई बढ़ गई है और महंगाई जब तक सरकार नहीं रोकेगी तो ये व्यापारी वर्ग पूरा परेशान रहेगा। बहुत से कस्टमर ये भी सोचते हैं कि जब महंगाई बढ़ती तो व्यापारियों को बहुत ही फायदा होता है। फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है व्यापारियों को। फायदा कहाँ से हो जाएगा? आज कोई जना 1 लाख रुपए लेके दुकान खोले बैठा है, पता चला उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है दुकान चलाने की, तो कहाँ से लाएगा? वो सवाल ही नहीं उठता, आ ही नहीं सकता। आप चाहे बैंक से लोन करा दे उनको, कुछ भी करा दे, कुछ उससे कोई फायदा नहीं मिलता। बैंक से लोन करा देंगे, ठीक है, उसको बैंक से पैसा दिया आपने, उसको बिना 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 गारंटी के लोन मिलता है, आपने बिना गारंटी के लोन दे लिया, अब उसका ब्याज कौन देगा? वो अपनी पूंजी तो पूरी नहीं कर पा रहा है, ऊपर से ब्याज उसके सर पे अलग से लग गया। तो पहले की होली रंगीन रहती थी कि अब होली रंगीन है? होली तो पहले की ही रंगीन रहती थी, अब तो खैर रंगीन नहीं रहती। अब तो हम लोग बस यही सोचते हैं जल्दी छुट्टी खत्म हो, कुछ काम करा जाए, कुछ करा जाए, बस यही है। होली तो रंगीन पहले की होती थी। तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में कुछ जो व्यापारी हैं, तो उनसे हम पूछ रहे हैं, सरकार वही, व्यापारी भी वही, समस्या वही, तो समस्या का समाधान कैसे होगा ये बताइए आप। अब इसके लिए तो हम लोग को ही करना पड़ेगा, व्यापारी को एकजुट होके, हमारे जो संगठन है हम लोग सबको एकजुट होकर ही कुछ कार्य करना पड़ेगा। अपने सम्मानित नेताओं से बात करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, हम ही लोग को एकजुट होकर सब करना पड़ेगा। क्योंकि मंडी शुल्क के लिए भी आप लोगों ने बहुत से प्रयास किए, लेकिन अभी तक मंडी शुल्क भी नहीं घटाया गया। होएगा, घटाया जाएगा। अब सरकार चेंज हुई है, थोड़ा
थोड़ा ये लोग सत्ता में आ जाएं, फिर हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे, हम लोग धरना देंगे, जो भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उससे ज्यादा ही करा जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को होली पे क्या शुभकामना देना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से यही कहूंगा कि सम्मानित व्यक्ति या पदाधिकारी या सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब होली भी सेफ होली। तो ये थे हमारे साथ में व्यापारी नेता जो कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से सौरभ गोयल जी और राष्ट्रीय सचिव के रूप में है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी आज हमसे कि किस तरीके से सरकार वही, व्यापारी वही, समस्या भी वही। तो व्यापारियों के हित के लिए अगर कोई भी योजना बनाई जाती है, चाहे GST हो चाहे मंडी शुल्क हो, जिससे व्यापारियों को लाभ नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है। जिस तरीके से आपने सुना कि पहले की होली किस तरीके से रंगीन थी और अब की होली बहुत ही फीकी है, और मार्केट में रंगों का त्यौहार जो मनाया जाता था मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी, लेकिन अब रौनक नहीं है। तो हमारे साथ में सौरभ गोयल जी थे जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो ऐसे ही हम आपको लखनऊ के हर क्षेत्र में और हर व्यापारी से मिलवाते रहेंगे कि वो इस होली पे अपने क्या विचार रख रहे हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।